हाई गाइस, दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्रुशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टिस एस्पिरेंट, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कोर्स सिलेक्शन. सबसे बड़ा टास्क होता है ये, यार मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूँ. ठीक है, बिकॉज आइडली टिस प्रोवाइड कि भाई आप तीन कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो टू कैंपसेस से. ठीक है, इन एडिशन टू दिस वॉट शुड बी माई प्रेफरेंसेस. ठीक है, कोर्स वाइज मेरा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड देख करके, मेरा वर्क एक्स देख करके मुझे क्या कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, ये जो कॉमन कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी. बिकॉज मैंने आपके लिए कंप्लीट एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है आपको कोर्स को लेकर के, फिर सब कोर्स को लेकर के उसके अंदर जो कोर्स अवेलेबल है. दिस चार्ट इज वेरी वेरी क्रुशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टिस एस्पिरेंट, चाहे आप मुंबई कैंपस, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, जो भी कैंपस के लिए टारगेट कर रहे हो टिस में, जो भी कोर्स को लेकर के. ये चार्ट को आप अच्छे से देख लेना जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ. ठीक है, ये चार्ट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली फिल योर डिटेल्स एंड यू कैन डाउनलोड दिस चार्ट. एंड बहुत अच्छे से टाइम लेकर के कोर्स डिसाइड करना, बिकॉज ये चार्ट मुझे बनाने में ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम गया है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, अच्छे से इसको रिव्यू करो और उसके हिसाब से आप कोर्स को चूज करो. आगे मैं गाइड भी कर दूंगा आपको कि कैसे आपको कोर्स चूज करना. ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना सारे लोगों को, सारे बच्चों को, जितने लोग टिस कैंपस टारगेट कर रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. और नेट्स बिफोर आई मूव अहेड, बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए. अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी यू कैन विजिट, बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड देन लाइव क्लासेस यू कैन ज्वाइन 8828581455 पे, यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लासेस. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसको वन बाय वन डिटेल में थोड़ा समझते हैं. ठीक है, कि ये चार्ट कैसे वर्क करेगा आपके लिए. ओके, सबसे पहले मैंने इसको मेन डोमेन में डिफाइन किया हुआ है. एक तो आपका एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, गवर्नेंस एंड पॉलिसी हो गया. ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से गो थ्रू करना. लॉ हो गया, विमेन के कोर्सेज हो गए. ठीक है, हेल्थ सिस्टम हो गया आपका, जो हेल्थ को लेकर के है. उसके बाद आपका सोशल वर्क हो गया, आफ्टर देन लाइवलीहुड को लेकर के, लिविंग, सोशोलॉजी, HR, एनालिटिक्स, मीडिया, ये आपके मेन डोमेन है गाइस. ठीक है, तो पूरे जो टिस के कोर्सेज है उसको मैंने मेन डोमेन में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, ये मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लगा यार, एक लाइक तो ठोक देना, ये बाकी सारे बच्चों को प्लीज़ ये शेयर कर देना, हर बच्चों के लिए बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है, इसका ओके, तो ये आपका मेन डोमेन डिफाइन कर दिया मैंने. अब आते हैं हम सब डोमेन पे. एजुकेशन में अगर आपको जाना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, लाइब्रेरी के कोर्सेज जा सकते हैं, एजुकेशन के या टीचिंग के. लाइब्रेरी के लिए यू गॉट द मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. एजुकेशन में आप एलिमेंट्री जो उनका एजुकेशन वाला कोर्स है मुंबई कैंपस, फिर हैदराबाद एंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट बीएड, एमएड एंड एमएड का डिग्री. सो अगर आप इस कैंपस के अंदर आपका करियर देख रहे हो एजुकेशन सेक्टर में, तो आपके लिए ये तीन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना सही है. मतलब एक कोर्स आपने लेट्स से कि लाइब्रेरी का ले लिया, एक कोर्स आपने यहाँ से ले लिया. ठीक है, फिर वैसे आपने एक कोर्स यहाँ से ले लिया. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक अबाउट द प्रेफरेंसेस. आपको प्रेफरेंस के लिए एजुकेशन ले सकते हो, टीचिंग ले सकते हो, लाइब्रेरी ले सकते हो. ठीक है, तीनों सब डोमेन एजुकेशन का ही पार्ट है. ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट पे. डेवलपमेंट के अंदर एक तो डेवलपमेंट स्टडी है, दूसरा इनका इंटरनेशनल इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस, तो ये दो कोर्स के लिए आप जा सकते हो. ठीक है, डेवलपमेंट वाले एनालिटिक्स कोर्स के लिए भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर नंबरिंग आ रही है. एनालिटिक्स इज मोर अबाउट द नंबरिंग एंड ऑल. ठीक है, डेटा को लेकर के बेसिकली, तो आप डेवलपमेंट स्टडी के लिए देख सकते हो. ठीक है, आते हैं गवर्नेंस एंड पॉलिसी. गवर्नेंस पॉलिसी के अंदर एक तो इनका डायरेक्ट जो कोर्स है गवर्नेंस पॉलिसी का, ओके, तो ये है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. ठीक है, फिर आपका पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस डिप्लोमा वाला कोर्स, उसके बाद रेगुलेटरी पॉलिसी हो गया, वैसे ही आपका रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस मास्टर ऑफ साइंस, लाइकवाइज वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस. तो ये फाइव कोर्सेज है. ठीक है, कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने गलत तरीके से कोर्स सेलेक्ट किया, प्रेफरेंस भी गलत तरीके से दिया, तो फिर आपका फाइनल जो सिलेक्शन है ना उसमें प्रॉब्लम आएगी. इनफैक्ट डैफ जब आप भरते हो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. तो डैफ फिलिंग, कोर्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके फाइनल टिस के सिलेक्शन को लेकर के. ये जो चार्ट है ये मास्टर चार्ट है आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेकर के. आपका बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कोर्स क्या सेलेक्ट करूँ. मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ और आप इसको डाउनलोड भी कर लेना. ठीक है,
मार्केट डिमांड के हिसाब से अब मार्केट में ये वाला कोर्स चल रहा है, इसके पैकेज इतना मिल रहा है, प्लेसमेंट इतना मिल रहा है, अब ये वाला कोर्स सेलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड तो देख लो यार अपना, एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके, वर्क एक्स से लेकर के, आपका इंटरेस्ट से लेकर के, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ये सब चीज़ें नहीं ध्यान में रखी तो आप फाइनल स्टेज में बाहर हो जाओगे। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों का हुआ था, इसके पहले भी काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो दिस चार्ट, ठीक है। अब आते हैं गवर्नेंस पॉलिसी में। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, देखो तीन चीज़ें, मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, पॉलिसी है, तीन चीज़ें हैं अगर आप गवर्नेंस पॉलिसी के अंदर जा रहे हो। तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैनेजमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हो। और दूसरा आपका पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, यार डिजास्टर कोई हो गया है कहीं पे, ठीक है, या जैसे कोविड आया था तो उसको कैसे मैनेज करोगे, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू पीपल। कहीं पे वॉर वाली सिचुएशन आ गई है, कैसे डील करोगे उसके साथ आप, तो उसके लिए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ठीक है, ये दो कोर्स आप देख सकते हो। गवर्नेंस के अंदर तीन चीज़ें, जनरल, अर्बन, रूरल, ठीक है। तो जनरल के अंदर भी यू गॉट नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस, एंड देन इनका डिप्लोमा वाला पार्ट हो गया। फिर अर्बन को लेकर के दिस इज़ द कोर्स, और वैसे रूरल को लेकर के रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ओके। तो ये गवर्नेंस को लेकर, अगर पॉलिसी में जाना है अपने को तो जनरल एंड अर्बन, ठीक है। तो डेवलपमेंट पॉलिसी, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, वैसे ही आपका अर्बन में, अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस ऑन एंड गवर्नेंस को लेकर के, ठीक है। तो ये तीन कैटेगराइज मैंने की। अगर आप गवर्नेंस में जा रहे हो तो आप पहले डिसाइड करो मैं रूरल में जाऊँ या अर्बन में जाऊँ। अगर आपने गवर्नेंस का अर्बन लिया हुआ है तो आप पॉलिसी में भी अर्बन ले सकते हो ना, ये दो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो कोर्सेज। और वैसे आपके सोशल वाले जो है, सोशल वर्क वाले, उसमें भी आई थिंक कुछ कोर्सेज मैच करते हैं, लेट मी चेक। यस, सोशल के अंदर यू कैन सी दिस रूरल डेवलपमेंट पार्ट, या सो अगर आप रूरल में देख रहे हो तो रूरल वाले कोर्सेज को आप मैच कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही या अगर आप लॉ में देख रहे हो तो आपके पास दो कोर्सेस है, एक तो ये कोर्स है ही एक्सेस टू जस्टिस, दूसरा सोशल वर्क का एक कोर्स जो है जिसको मैंने लॉ के अंदर फिट किया हुआ है, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। तो ये अगर आप लॉ में अपना करियर देख रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज टू कोर्सेस। वीमेन के कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हो तो सोशल वर्क इन वीमेन सेंट्रल प्रैक्टिस, देन वीमेन स्टडीज़ एंड देन मुंबई एंड हैदराबाद कैंपस, तो आप ये कोर्सेज के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान मैंने बना दिया है कि हाँ मुझे कोर्स सेलेक्ट करना है, इसको इस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है, तो आपके पास मैंने बहुत फिल्टर्ड फॉर्म में डेटा रख दिया है। इसके बाद भी अगर आपके डाउट है तो भाई थोड़ी सी तो एफर्ट डाल के मेहनत कर लो, इस चार्ट को थोड़ा ढंग से समझ लो, ठीक है। अब आते हैं अपन हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हॉस्पिटल, पब्लिक एंड मेंटल, ओके। सो एक तो आपका एमएचए कोर्स है ही, तो ये अच्छा कोर्स है। अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट कोर्स, वन शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इसकी कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जाती है हेल्थ सेक्टर में। बाकी पब्लिकली अगर आप देख रहे हो तो आपके पास पब्लिक हेल्थ में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस वाले कोर्सेज हैं, सोशल एपिडेमोलॉजी हो गया आपके पास, फिर उसके बाद सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ, उसके बाद हैदराबाद कैंपस, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर। अगर आप मेंटल के लिए जा रहे हो, मेंटल हेल्थ के लिए जा रहे हो, तो आपके पास ग्लोबल मेंटल हेल्थ हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, है ना, इसके अंदर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस आ जाती है, सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल वर्क इन काउंसलिंग। तो आप ये चारों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स देख सकते हो अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें एक तो आप एमएचए ले सकते हो हॉस्पिटल वाला, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, दूसरा आप फिर जैसे कि एमपीएच ले लिया आपने सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप हेल्थ ओरिएंटेड जितने भी ये कोर्सेस हैं इसमें से कोई ना कोई कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखो जो मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन डाउट आता है व्हेन आई विजिट द सेंटर फॉर द क्लासरूम कोचिंग, या तो फिर लाइव में लेता हूँ तो सर कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूँ, तो ये चार्ट मैंने दे दिया है, ठीक है। एंड जितने लोग अभी मेन्यूअर ज्वाइन भी कर रहे हो तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा, तो अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ओके। आई डोंट वॉन्ट कि कोर्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, ओके। इफ़ यू हैव अ गुड क्लैरिटी अबाउट दी कोर्सेस तो फिर सिलेक्शन आपका बाई डिफॉल्ट होगा, फिर तो अपने को सिर्फ एग्जाम निकालना है और स्टेज टू पे काम करना है, ओके। सोशल वर्क पे आते हैं, अगेन रूरल, कम्युनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीन सब डोमेन में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप रूरल के लिए जा रहे हो तो आपके पास रूरल डेवलपमेंट कोर्स है, ठीक है, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ कोर्सेस हैं। कम्युनिटी में अगर आप जा रहे हो तो चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, CODP वाला कोर्स आपका, डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड एक्शन, वैसे ही हैदराबाद कैंपस CODP,
तो आप कॉमेडी के लिए ये चार कोर्सेज देख सकते हो। आप प्रेफरेंस आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने राइट तरीके से कोर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे लेट्स से कि सोशल वर्क में जाना है, राइट, और मैंने कम्युनिटी डिसाइड किया हुआ है, कम्युनिटी में मुझे जाना है, तो मैं पहला ये कोर्स ले लूँगा, उसके बाद ये कोर्स ले लूँगा, और फिर इसी में मैं देख लूँगा कि हाँ मुझे इसमें जाना है या डिसेबिलिटी स्टडी एंड एक्शन में जाना है। तो अपने को तीन कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको इसमें भी नहीं जम रहा है तो देन यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। वैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्सेज भी देख सकते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मुंबई कैंपस, ठीक है, उसके बाद आपका सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तुलजापुर, वैसे लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हैदराबाद कैंपस, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज को अगर आप देख रहे हो तो आप ये चार कोर्सेज में कोई भी कोर्स जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना लेना, ओके। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कोर्सेज, जिसमें आपका आता है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, उसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड वैसे ही आपका इकोलॉजी वाले कोर्सेज। तो ये तीन कोर्सेज आप देख सकते हो। बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। अब इसको आप कैसे रीड करते हो, कैसे गो थ्रू करते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, ठीक है। सोशोलॉजी में आपके पास भाई ये कोर्स है तो आप ये जा सकते हो। HR में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में, तो भाई HR आपके पास है ही, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़। इसके बाद आपके पास है ODCL कोर्स, फिर थर्ड नंबर पे आप लेबर स्टडी एंड प्रैक्टिस ले सकते हो, लेबर स्टडी एंड सोशल प्रोटेक्शन ले सकते हो। ये चार कोर्सेज हैं जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ओके। एनालिटिक्स में यू गॉट दिस कोर्स, एनालिटिक्स को लेकर, मीडिया को लेकर के दिस कोर्स, ठीक है। एनालिटिक्स वाले बच्चे आप मैंने बताया कि डेवलपमेंट स्टडी वाला आप एक देख सकते हो, जहाँ पे भी डेटा आपको लग रहा है, जहाँ पे भी डेटा वाला काम है, वो कोर्स के लिए आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर ये चार्ट के बाद काफ़ी क्लैरिटी आपके अंदर आ गई होगी। टिस के लिए जितने लोग देख रहे हो, आप पहले तो मैन्यूअर का चैनल, मैन्यूअर टिस वाला जो चैनल है, वो सब्सक्राइब करके ले लो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से टाइम पे मिलते जाएगी और ये कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अच्छे से गो थ्रू कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो इसको एंड गो थ्रू इट प्रॉपरली। कुछ भी गलत तरीके से कोर्स नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगे आप। और सेलेक्शन नहीं होता है, होता क्या है कि हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ और है, वर्क एक्सपीरियंस कुछ और है, और हमने कोर्स कुछ और ही सेलेक्ट किया हुआ है, आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हाँ समटाइम यू वॉन्ट टू चेंज योर फील्ड, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है उसमें, विच इज़ गुड, ठीक है, बट उसको लेकर के आपका बैकग्राउंड, आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशन किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसको तो ऐड करो आप। समटाइम पीपल चेंज देयर डोमेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उसको जस्टिफाई करने आना चाहिए आपको इंटरव्यू में, तो उसको लेकर के थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। मेरे आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब कर रखो चैनल को, ठीक है। एंड या प्लीज़ शेयर इस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग टिस कैंपस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो टिस मुंबई है, गुवाहाटी है, तुलजापुर, हैदराबाद, जो भी कोर्स को लेकर, चाहे वो फ्लैगशिप कोर्स है या नॉन HRML और ODCL कोर्सेस है, डजेंट मैटर। आफ्टर चेकिंग दिस चार्ट आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ये वाले कोर्सेज मुझे जाने हैं टिस के अंदर, और प्रेफरेंस वाइज पहला प्रेफरेंस मेरा ये होगा, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये, ठीक है। नॉट नेसेसरी आप तीन प्रेफरेंस लेके चलो, आप एक कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, दो कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो तीन कोर्स सेलेक्ट करना ही है दो कैंपस में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये चार्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक लाइक बटन ठोक देना, ठीक है, एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।